मैक्लॉरिन्स थ्योरम, मैक्लॉरिन्स थ्योरम। मैक्लॉरिन्स भाई एक थे मैथमेटिशियन। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, इफ एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एक्स सच दैट इट कैन बी एक्सपांडेड इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स एंड दिस एक्सपांशन बी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम देन थ्योरम स्टेट दैट। मतलब कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कोई फंक्शन ऑफ एक्स का कोई वेरिएबल एक्स का कोई फंक्शन है देन सच दैट इट कैन बी एक्सपांडेड, तब वह एक्सपांड हो सकता है इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स के असेंडिंग पावर्स में हम उससे एक्सपांड कर सकते हैं एंड दिस एक्सपांशन भी डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम, किसी भी नंबर ऑफ टाइम में हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन थ्योरम स्टेट दैट, थ्योरम कहता है उसके बाद हमें जो मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एफ डबल डैश जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एफ ट्रिपल डैश जीरो अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एक्स पावर एन इंटू एफ एन जीरो अपॉन एन फैक्टोरियल। ये जो ये थ्योरम है ये मैक्लॉरिन्स ने डिफाइन किया था विथ दिस स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट दिया गया इस स्टेटमेंट के जरिए, इस स्टेटमेंट से बताया था, स्टेटमेंट से बताया था कि जो कुछ ऐसा हमें एक फार्मूला मिलेगा। इसके लिए हम प्रूफ करते हैं, इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, आखिरी आया कैसे एफ जीरो एफ नॉट ये सब है क्या, आया कैसे, इसके प्रूफ के लिए हमें मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस डॉट 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 एन तक लिखेंगे, ए एन एक्स के पावर एन। ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो कुछ ऐसा हो सकता है, हम लेट करेंगे, मानेंगे इसको इक्वेशन वन मान लेंगे। अब इसमें कंडीशन क्या आती है, ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए एन डॉट डॉट जो भी है वो सब कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट के बाद हम इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट सक्सेसिव डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी हैव हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल्स टू सबसे पहले इक्वेशन वन है, हम उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा एफ डैश एक्स हो जाएगा और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर प्लस ए वन एक्स, ए वन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एक्स का वन हो जाएगा प्लस ए टू बाहर आ जाएगा और एक्स का टू एक्स होगा, एक्स का टू एक्स तो टू ए टू एक्स टू ए टू एक्स प्लस ए थ्री तो होगा उसके बाद ये थ्री बाहर आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट 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 एन तक जाएगा। अब हम जब इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या है, हमें एफ डैश एक्स है तो हम इसको एक बार सबसे पहले उतार इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया है, जीरो प्लस ए वन इंटू वन टू ए टू एक्स जीरो प्लस ए वन इंटू वन प्लस टू ए टू एक्स टू ए टू एक्स प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 आगे तक जाएगा तो इस तरह ए थ्री एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ट्रिपल डबल डैश का इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, जब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स देन जीरो तो ख़त्म हो जाएगा, ये ए वन कॉन्स्टेंट हो गया तो ये भी अब जीरो हो जाएगा प्लस टू ए टू एक्स का वन हो जाएगा तो हमारे पास टू ए टू बचेगा एक्स का वन हो जाएगा प्लस ये थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर करें तो टू एक्स हो जाएगा तो थ्री इंटू टू थ्री इंटू टू और ए थ्री एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम एफ ट्रिपल
एक्स, फिर इसको अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो खत्म हो जाएगा, टू ए टू कॉन्स्टेंट हो गया, तो फिर ये जीरो हो जाएगा, प्लस ये थ्री ए थ्री है तो ये हमारे पास ऐसा ही रह जाएगा, थ्री इंटू टू ए थ्री कॉन्स्टेंट सब बाहर आ गया एक्स का, वन प्लस डॉट 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 वन से मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, इसलिए इसका कुछ नहीं होगा, तो फाइनली हम एफ ट्रिपल डैश तक ले जाएंगे। अब हम स्क्वायर करने के लिए पुटिंग एक्स इक्वल्स टू जीरो इन एबव ऑल इक्वेशंस, एबव ऑल इक्वेशंस में जो हमको मिला एफ डैश जीरो, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स में एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे, तो एक्स इक्वल्स टू जब जीरो पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले एफ जीरो में हम जाएंगे, तो हमारे पास एफ जीरो एफ एक्स है, सब में एक्स की जगह पर जीरो पुट करेंगे, देन एफ एक्स इक्वल्स टू ए जीरो है प्लस ए वन एक्स है प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस डॉट 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 ए एन एक्स एन था, तो जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये तो रह जाएगा जीरो, तो ए जीरो प्लस ए वन इंटू जीरो प्लस ए टू जीरो भाई साहब का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस ए थ्री जीरो भाई साहब का होल क्यू प्लस ए एन एक्स का पावर जीरो का पावर एन, कुल मिला के हैं ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा ए वन एफ एक्स इक्वल्स टू ए जीरो पड़ेगा, तो हमें जरूरत इसी की है ए जीरो की। अब हम एफ एफ डबल डैश में जाएंगे, एफ सिंगल डैश एक्स, ये एफ जीरो हो गया। अब एफ एक्स इक्वल्स टू हम एक्स की जगह पर जीरो पुट करेंगे एफ, तो ये ए वन है ए वन होगा प्लस यहाँ टू है प्लस टू ए टू एक्स की जगह पर जीरो, फिर थ्री प्लस थ्री ए थ्री एक्स की जगह पर जीरो का होल स्क्वायर, फाइनली हमें एफ डैश जीरो इक्वल्स टू ए वन मिलेगा, फिर एफ डबल डैश जीरो पुट करेंगे यहाँ एफ डबल डैश जीरो टू ए टू इक्वल्स टू टू ए टू तो बच जाएगा, लेकिन थ्री इंटू टू थ्री इंटू टू यहाँ थ्री इंटू टू ए थ्री और एक्स का एक्स की जगह पर जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा एफ डबल डैश जीरो इक्वल्स टू टू ए टू बचेगा, लेकिन हमें टू ए टू की नहीं टू ए टू की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए ए टू हम निकालेंगे और ये टू यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीज़न में हो जाएगा, तो ए टू इक्वल्स टू डबल डैश एक्स जीरो अपॉन टू ए टू मिल गया। अब हम एफ ट्रिपल डैश जीरो इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश में क्या है थ्री थ्री इंटू टू ए थ्री वन, इसमें एक्स है ही नहीं जीरो कुछ पुट नहीं करेंगे, तो हम सिंपल सा लिखेंगे थ्री इंटू टू इंटू ए थ्री, एक्स का वैल्यू जीरो कुछ इसमें आया नहीं इसलिए पुट नहीं करेंगे, लेकिन फिर यहाँ भी हमें ए थ्री की ज़रूरत पड़ेगी, तो ए थ्री इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश जीरो अपॉन ये थ्री इंटू टू, ये यहाँ इंटू वन लिख कर हम इसे एफ ट्रिपल डैश जीरो लिख के फैक्टोरियल थ्री लिख सकते हैं, और इसे भी टू इंटू वन लिख के फैक्टोरियल टू लिख सकते हैं, तो हमारे पास ए थ्री भी मिल गया। फाइनली फाइनली पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन वन, जो हमारे पास इक्वेशन वन था उसमें हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे,
तो हमें मिलेगा एफ एक्स इक्वल्स टू हमारी इक्वेशन वन क्या है ए जीरो ए वन एक्स। अब ए जीरो की जगह पर हम एफ एक्स लिख सकते हैं, ए जीरो की जगह पर एफ एक्स लिख सकते हैं, तो ए जीरो की जगह पर एफ एक्स लिखती है, ए जीरो की जगह पर एफ एक्स नहीं एफ एफ जीरो होगा क्योंकि हमने यहाँ एफ जीरो पहले डाल दिया था, एफ जीरो ए जीरो बराबर एफ जीरो, तो ए जीरो बराबर एफ जीरो हमने कर दिया। फिर प्लस अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या है ए वन एक्स, तो एक्स तो रहेगा ए वन का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स हमने पहले लिख दिया, फिर ए वन, ए वन का वैल्यू यहाँ है एफ डैस जीरो एफ डैस जीरो। फिर प्लस ए टू क्या है एक ए टू एक्स स्क्वायर, ए टू रहने देते हैं हम, ए टू रहने देते हैं एक्स स्क्वायर रहने देते हैं इंटू ए टू। अब ए टू इक्वल्स टू हमें आया ना एफ डबल डैश जीरो और टू एफ डबल डैश, ये इसे टू इंटू वन करके हम ये टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, तो एफ डबल डैश जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल। प्लस ए थ्री एक्स क्यों, तो एक्स क्यों रहने देंगे, प्लस एफ ट्रिपल डैश जीरो अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एन तक जाएगा, तो ये हमारा प्रूव हुआ। ये ना था मैक्लॉरिन थ्योरम एफ जीरो एक्स एफ डैश जीरो, ये प्रूव्ड।